11वीच्या माझ्या सगळ्या दोस्तांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला अपेक्षा आहे मित्रांनो, तुम्ही सर्वजण सुरक्षित आहात. दोस्तों, आज हम डाइजेशन ऑफ फूड ये आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं. फूड का डाइजेशन, व्हाट इज द फूड डाइजेशन. डाइजेशन इसका मतलब होता है मेकिंग सिंपल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाना, इज कॉल्ड एज डाइजेशन. डाइजेशन हमारे में दो तरह से होता है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल. केमिकल का मतलब होता है एंजाइमेटिक. हमारे जो अलग अलग से ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, और इन एंजाइम्स से जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि देर इज द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. हर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के लिए अलग एंजाइम है. लिपिड्स के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग है, प्रोटीन्स के लिए अलग है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को सिंपल बनाने के लिए अलग है. इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग से क्या है कि कुछ एंजाइम्स है. दोस्तों, ये डाइजेशन की प्रोसेस राइट वे स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड बकल कैविटी. जो बकल कैविटी है, माउथ है, माउथ एंड बकल कैविटी से ये डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है. पहले तो देखेंगे माउथ और बकल कैविटी में डाइजेशन कैसा होता है. डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, माउथ एंड बकल कैविटी. उसके बाद नीचे आए, देखो माउथ एंड बकल कैविटी से हमारा फूड फेरिंग्स ईसोफेगस के रास्ते स्टमक में आता है. तो ये तो सिर्फ पाइपलाइन है, ही तर फक्त पाइपलाइन है, ज्यादा काही होणार नाही. फक्त फूड जे आहे ते माउथ बकल कैविटी से लेकर के हमारे स्टमक तक सिर्फ ट्रांसफर होगा, डाइजेशन नहीं होगा. उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, अनअफेक्टेड. Without any kind of change, the food will propel. It will just transport from mouth to the stomach. दूसरा डाइजेशन का टप्पा हुआ स्टमक के अंदर. स्टमक में कुछ चीजों का डाइजेशन होता है और उसके बाद जो भी बनता है वो आगे पास किया जाता है इंटेस्टाइन को. डाइजेशन का सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो इंटेस्टाइन का है, जो तकरीबन एक 18 फीट 6 मीटर लंबी एक ट्यूब है, पाइप है, और वहां तकरीबन डाइजेशन पूरा हो जाता है और मोटा सबसे तगड़ा एब्सॉर्प्शन भी होता है. देयर इज द बिग एब्सॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर डाइजेस्टेड फूड. तो पहले नंबर पे आता है हमारे बकल कैविटी, और इंटेस्टाइन के आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सिर्फ एब्सॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन का मामला नहीं रहता. वाटर एंड मिनरल्स खासतौर पर कुछ विटामिन एब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं. पहले देखेंगे माउथ एंड बकल कैविटी में डाइजेशन कौन सा होता है, उसके बाद हम जाएंगे टू द स्टमक. दोस्तों, माउथ एंड बकल कैविटी आपको पता होगा कि देयर इज टीथ एंड टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. बकल कैविटी में दांत है, जबान है, और सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा, लार, पानी, मुंह का पानी. तो एक्चुअली दांतों से चबाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से फूड को सॉफ्टन किया जाता है, कुछ हद तक उसको जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस का भी प्रोसेस शुरू होता है, सॉफ्टन किया जाता है, उसको चबा चबा करके उसका जो होता है ना फूड कन्वर्ट्स टू बोलस, इसका बोलस बनाया जाता है. बोलस निगलने के लायक बोलस बनाया जाता है, इसका एक गोला बनाया जाता है जो सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है. निगलना, स्वेलोइंग, डीग्लूटिशन आसान होता है. डीग्लूटिशन बोलते हैं उसको, स्वेलोइंग आसान हो सकता है. स्वेलोइंग आई Swallowing becomes easy. It is deglutition. Deglutition. लेकिन digestion कहाँ हो रहा और कितना हो रहा, ध्यान से देखो. चबाना, बारीक करना, ये प्रोसेस मैकेनिकल है, उसको बारीक किया जाता है. उसके साथ में digestion कौन सा होता वो बता रहा मैं, कि सलाइवा के अंदर, हमारी जो सलाइवा है इसके अंदर पहली चीज तो पानी है, उसके बाद Na प्लस है, HCO3 माइनस है, ओके, कुछ यू नो Cl माइनस है. तो ये जो चीजें हैं उसके साथ में देर इज वन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज नाम से एंजाइम आहे, सलाइवरी अमाइलेज. तोंडामध्ये जी लाळ आहे त्याच्यामध्ये सलाइवरी
अमाइलेज नाम का एंजाइम है, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज, उसके साथ में है कि नहीं लाइसोजाइम्स नाम के कुछ एंजाइम्स है, लाइसोजाइम्स ये एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल है, इनसे जंतु मारे जाते हैं और ये डाइजेशन करता है, बाकी इनसे पीएच एडजस्ट होता है, बाइकार्बोनेट आयन सोडियम क्लोरीन इनसे क्या होता है पीएच एडजस्ट होता है। अब मैं डाइजेशन इन माउथ बताना, हमने अगर चपाती रोटी खाई चावल खाया तो हम स्टार्च खाया, स्टार्च के ऊपर सलाइवा की सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम की एक्शन होती है और जितना स्टार्च का जहां पे पीएच बनता है 6.8 पीएच 6.8 और स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू एक डाइसैकेराइड कॉल्ड एज माल्टोज, माल्टोज कौन है तो एक डाइसैकेराइड है, इट्स अ डाइसैकेराइड, समझ गया, माल्टोज को तोड़ेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। तो दोस्तों ये 100% स्टार्च डू नॉट कन्वर्ट इनटू माल्टोज बल्कि 30% ऑफ द स्टार्च का माल्टोज बन जाता है और 30% खाए वाले स्टार्च को आगे के डाइजेस्टिव ट्रैक के भरोसे आगे छोड़ दिया जाता है, मतलब ओनली 30% ऑफ योर चपाती चावल भाकरी जो भी आप स्टार्च कंटेनिंग चीजें खाते हैं उसका 30% डाइजेशन आपके माउथ में होता है। आप याद करो एक आधी चपाती का टुकड़ा या फिर एक आधी भाकरी का टुकड़ा, चावल का एक आधा चम्मच, ज्यादा देर तक जब चबाते हैं तो उससे क्या होता है पता है कि देर इज एक्चुअली वो मीठा लगने लगता है, इट स्टार्ट टू फील यू कैन से स्वीट, वो थोड़ा सा हमें मीठा लगने लगता है और ये बात जो होती है दोस्तों इससे जो है ना वो आपको पता चलेगा कि देर इज डाइजेशन, क्या चल रहा है वो डाइजेशन चल रहा है, 30% डाइजेशन। माउथ में आपने जो फूड लिया उसका सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता 30%, प्रोटीन्स और फैट के मामले में कुछ नहीं होता, माउथ में कुछ नहीं होता, फूड को बोलस बनाया जाता है और फूड स्वैलो किया जाता है। अब आपका फूड माउथ एंड बकल कैविटी से रिएक्शन, याद रखना स्टार्च 30% बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, 30% ऑफ द स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, बाकी का नहीं, पीएच 6.8 है। सलाइवरी अमाइलेज एक सलाइवा के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है, लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम है वो सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है या फिर वो एंटी पैथोजेनिक है, वो सिर्फ जंतुओं को मारता है। माउथ के बाद हम आते हैं आगे स्टमक के अंदर, अब ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, यू मस्ट नो दैट कि जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चलती है वो है चर्नी एंड उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन लेकिन सभी चीजों का नहीं, आपको बता दूं कि देर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हियर इन द स्टमक, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता, यू मस्ट नो इट, सिर्फ कुछ हद तक प्रोटीन्स का डाइजेशन जरूर होता है, ओके कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है यहाँ पे। सो दिस इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, यहां से ड्यूओडेनम, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर, एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ पे स्टमक में फोल्ड्स होते हैं और ये जो फोल्ड्स होते हैं दोस्तों इन्हीं फोल्ड्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यू मस्ट नो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक एसिडिक नेचर का गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, बरोबर, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना दोस्तों, ये जो फोल्ड है ना ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इनको म्यूकोसा बोलते हैं। सो एक फोल्ड अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है, यहां नेक के पास कुछ म्यूकस सेल्स है, यहां पे देर आर द म्यूकस सेल्स जो एक स्टिकी नेचर का म्यूकस बनाते हैं, क्या बनाते हो स्टिकी नेचर का म्यूकस बनाते हैं, ओके उसके
ये म्यूकस बनाते, दे आर म्यूकस सेल्स, म्यूकस बनाने वाले वो कुछ गोबलेट सेल्स है, म्यूकस सेल्स है वो नेक में प्रेजेंट है। उसके बाद जो है वो बीच में यहां पर कुछ सेल्स है, ये वाली जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं चीफ सेल्स, ये वाली चीफ सेल्स, चीफ सेल्स, चीफ सेल्स, ओके। तो ये जो चीफ सेल्स होती है वो बनाती है एक एंजाइम, इट इज पेप्सिनोजिन, और बॉटम को कुछ सेल्स है, दे आर कॉल्ड एज पैराइडल सेल्स, और ये सेल्स बनाती है HCl, ओके HCl, कौन सी सेल, पैराइडल सेल्स, दी सेल्स दे प्रोड्यूस द HCl। अब HCl होने की वजह से मतलब जो जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर म्यूकस पानी तो होता है, डेफिनेटली पानी के बिना तो कोई जूस नहीं बनेगा, म्यूकस है, पेप्सिनोजिन नाम का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और HCl है। किसकी बात कर रहा मैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, स्टमक के अंदर, ये स्टमक, फूड जो है वो आया बोलस के फॉर्म में, यहाँ देर इज कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर से फूड पास हुआ एंड इट एंटर्ड नाउ द स्टमक, कार्डियक स्टमक में फूड आ गया, वो बोलस में आया। अब इसके ऊपर एक्शन होता है इस गैस्ट्रिक जूस का, जिसमें म्यूकस है, जिसमें पेप्सिनोजिन है और जिसमें HCl है। दोस्तों म्यूकस बायकार्बोनेट आयन्स की मदद से जो HCl है उसकी एक्शन से इस म्यूकोसा को बचाता है, म्यूकस से इस म्यूकोसा को बचाया जाता है, HCl एक एसिड है उससे इस म्यूकोसा को नुकसान भी हो सकता है। तो म्यूकस, म्यूकोसा को, म्यूकोसा को म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस का घटक है म्यूकस, म्यूकोसा को म्यूकस HCl के एक्शन से बचाता। अब जो पूरा मामला है यहां पर आप देखेंगे तो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, उसका पीएच 1.8 है, मतलब टू मच हाई पीएच, इट इज क्वाइट हाई पीएच। दोस्तों ये बोलस आ गया, यहां पे आने के बाद उसको चर्निंग शुरू होता है, घुमा मिक्स करना, एंड चर्निंग से बोलस इज कन्वर्टेड इनटू ए क्रीम कलर्ड, एक प्रोडक्ट, एक क्रीम कलर्ड एक एंड प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज चाइम, चाइम, चाइम नाम का एक क्रीम के कलर का एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्रीम खाकी कलर का। दोस्तों इसमें एक डाइजेशन की भी प्रोसेस होती है, ये डाइजेशन जो मैं बोल रहा गैस्ट्रिक जूस से स्टमक में जो डाइजेशन होता, आपने आपने देखा कि माउथ के अंदर सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज डाइसैकेराइड बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, वो रिएक्शन मैंने लिख दी। अब स्टमक में क्या क्या होता है वो बताता। पहली चीज तो आप ये याद रखो कि जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इज मेड एक्टिव बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl का सबसे बड़ा काम क्या है पता है, उसका सबसे बड़ा काम है कि इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना, एक्टिव एंजाइम इज पेप्सिन। किसी ने पूछा आपको कि HCl किसका उत्पादन है, भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बॉटम के जो सेल्स है पैराइडल सेल्स, इनसे HCl बनता है। HCl का काम बताओ तो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिनोजिन, इज मेड एक्टिव पेप्सिन, दिस इज एक्टिव पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म बनाया पेप्सिन। अब जो एक्टिव पेप्सिन है दोस्तों वो काम करता प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स पे काम करता ये एक्टिव पेप्सिन, एंड द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीओजेस, प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स, ये थोड़ा सा डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ, फाइनल तब होता है जब प्रोटीन से हम अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। अब यहां क्या बना बोलो, प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स बाय द एक्शन ऑफ यू कैन से पेप्सिन। पेप्सिन को कैसे बनाया, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन पे देयर वाज द एक्शन ऑफ HCl एंड इनएक्टिव पेप्सिनोजिन
कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स कन्वर्टेड टू पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस. दिस इज योर एक्शन ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक. स्टमक में डाइजेशन कौन कर रहा? गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में कौन है भैया? दो आप यहाँ पे खासतौर पे मेन चीजें जो है वो HCl और पेप्सिनोजिन. म्यूकस एक स्टिकी स्टिकी चिकट चिकट पदार्थ है जो HCl के एक्शन इस म्यूकोसा पे होने नहीं देता या उसको बचाता है. जब एक्शन होती है तो हम बोलते हैं एसिडिटी हुई, हमारे लिए म्यूकस जरूरी है. याद रखना सलाइवरी हमारे जैसे यहाँ पे आता है वो न्यूट्रल हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ HCl. HCl उसकी एक्शन बंद कर देता है. सलाइवरी हमारे सिर्फ माउथ में, यहाँ काम नहीं उसका. यहाँ पे काम कौन करेगा? HCl पहले एक्शन करेगा इनएक्टिव पेप्सिनोजेन पे. इनएक्टिव पेप्सिनोजेन कन्वर्शन पे एक्टिव पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कन्वर्ट्स टू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस. ये मामला बनता है आपके स्टमक के अंदर. लास्ट को यहां बनेगा चाइन एंड चाइन इज पास्ड ऑन टू द ड्यूओडेनम थ्रू पाइरोलिक स्फिंक्टर. ये है पाइरोलिक स्फिंक्टर. ओके, सो दिस इज द डाइजेशन इन स्टमक. अब आगे है हमारा डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू वेरी मच.